अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर फोर। तो क्वेश्चन नंबर फोर क्या दे रखा है, इफ ए इज इक्वल टू बी प्लस सी और ये वेक्टर क्वांटिटी है, देन इट इज ट्रू दैट मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ सी, जस्टिफाई योर आंसर। तो यहां पे हमसे कह रहा है कि अगर ये वेक्टर के लिए पॉसिबल है, अगर यह दे रखा है, तो क्या हमारा ये भी पॉसिबल होगा। इसके हम कई सारे काउंटर एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो हम दे सकते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल, जिसमें इक्विवेलेरियम ट्राइंगल जिसमें तीनों साइड जो है वो इक्वल लेंथ की होती हैं, या फिर बेसिकली हम एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे हमने ए वेक्टर ले लिया आई प्लस जे, ठीक है, और बी वेक्टर ले लिया हमने आई और सी वेक्टर ले लिया जे, सिंपल सा एग्जांपल है। तो यहां से अगर हम इसको देखें तो ए वेक्टर हमारा किसके इक्वल होगा, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, तो यहाँ पे ये तो हमारा ट्रू है। लेकिन अगर मैग्नीट्यूड देखें तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या आएगा, अंडर रूट वन प्लस वन विच इज इक्वल टू अंडर रूट टू, और मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्या आएगा वन, मैग्नीट्यूड ऑफ सी क्या आएगा वन। अगर हम देखें तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ सी वो क्या आएगा, वन प्लस वन विच इज इक्वल टू टू, और ये है हमारा अंडर रूट टू, तो ये हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ ए के इक्वल नहीं है। तो ये बेसिकली एक हमारा एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल हम इस तरह से ले सकते हैं, जैसे ये हमने एक ट्राइंगल लिया इक्विलेरियम ट्राइंगल, ठीक है, इसकी तीनों साइड क्या है, इक्वल है। हम मान लेते हैं ये वेक्टर है ए और ये बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है, और इसको कुछ नाम दे देते हैं ए बी सी। अब यहां पे अगर हम डायरेक्शन लें इस तरह से, ये डायरेक्शन ले ली, ये ले ली डायरेक्शन, ये ले ली, तो यहां पे ए वेक्टर जो है वो इक्वल होगा बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर के, ठीक है, यहां पे ये हमारा पॉसिबल होगा। लेकिन चूंकि इक्विलेरियम ट्राइंगल है तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ सी, यानी तीनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड जो है वो इक्वल होंगे। जब इक्वल होंगे तो इसका मतलब हमारा ये सेटिस्फाई तो करेगा नहीं, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी प्लस सी ये कभी इक्वल नहीं होगा, ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा।